हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा जो आजकल एक मुद्दा चल रहा है नॉर्मलाइजेशन का, उस पर मैं आप चर्चा करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, आखिर क्यों इसे करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो इन सभी बातों पर मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन इन बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए, देन मैं आगे यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, वो ये कि एक बच्चा है, कोई एक स्टैंडर्ड है जिसने 100 मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का, इस 100 मार्क्स के पेपर में इसने 50 प्रश्न इसने सॉल्व किए, इस 50 में से इसके 48 प्रश्न सही थे और इसके 2 प्रश्न इसके गलत थे। ठीक हो गया, यानी कि 48 इसके सही थे, 2 गलत थे, तो 2 गलत का इसका 0.5 मार्क्स कटा, 0.5 कटा इसका पे, और 48 इसके यहां पे ये थे सही थे, तो इसका मतलब इसकी जो स्कोर रहेगा वो 47.5 रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। एक दूसरा बंदा है जिसने 100 मार्क्स के पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना पे, इसने 60 प्रश्न सही किए और 40 प्रश्न इसने गलत किए, 60 सही किए, 40 गलत किए, 40 जो इसने गलत किए इसका 0.25 अगर कटेगा तो इसके 10 मार्क्स कट गए, 10 मार्क्स कटे हैं, तो इसका मतलब इसका जो स्कोर रहेगा वो 50 रहेगा। ठीक हो गया, आप दो बात आप समझ गए। मैंने क्या बोला, एक बंदा है जिसने 50 में से 48 सही किए, 2 गलत, इसके 47.5 मार्क्स हैं। दूसरा बंदा है जिसने 100 में से 60 सही किए, 40 गलत, इसके मार्क्स हैं 50, यानी कि इससे इसके लगभग 2.5 मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक, स्कोर में। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों में से कौन सा बंदा है, कौन सा कैंडिडेट है जो सीट डिजर्व करता है, किसे सीट मिलनी चाहिए, क्या ये सीट 50 में से 48 सही करने वाले को मिलनी चाहिए या फिर 100 में से 60 गलत करने, सॉरी 40 गलत करने वाले को मिलनी चाहिए। आप इस बात का मुझे यहां पे पहले आंसर दीजिए, देन मैं आपको यहां पे आगे ये कंटिन्यू करता हूं, चलिए, ठीक है। आप अब इस बात को समझ गए होंगे कि मैं कहां पहुंचने वाला हूं। अब देखिए, अब मैं समझाता हूं आपको यहां पे नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, जरा नॉर्मलाइजेशन में मैं यहां पे बात करता हूं क्या क्या होता है। देखिए, मैंने यहां पे आपको यहां पे दो चार्ट आपको दिख रहे हैं, एक चार्ट ये है, एक चार्ट ये है। नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए, अगर मुझे नॉर्मलाइजेशन समझना है, मुझे इन दो चार्टों का थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना होगा। ये चार्ट नंबर एक है, ये बिल्कुल अलग है, ये चार्ट नंबर दो है, ये बिल्कुल अलग है। पहले एक चार्ट पे बात करता हूं, देखिए चार्ट एक में, जो चार्ट एक है इसमें आप, मैंने यहाँ पे देखो 5 कैंडिडेट मैंने यहाँ पे लिए हैं, कैंडिडेट 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 लोग हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो देखिए यहाँ पे, ये जो पेपर है वो 3 शिफ्टों में हुआ है, ध्यान रखना पे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। अब जरा आप एक बात ये समझना, देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे जो शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ ये पेपर टफ था, शिफ्ट 1 का पेपर बहुत टफ था, ठीक है, इसलिए इसके जो मार्क्स थे यहाँ पे वो कम आए, ठीक है। शिफ्ट 1 वाला जो बंदा था, कैंडिडेट पहले जो बंदा था यहाँ पे, इसके 40 नंबर आए, दूसरे के 45 नंबर आए, तीसरे के यहाँ पे 50 नंबर आए, चौथे के यहाँ पे, ठीक है, फिर से इसके 50 ही आए, इसके यहाँ पे 60 नंबर आए, सपोज दैट ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी शिफ्ट जो थी ये इजी शिफ्ट थी, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आए, नंबर ज्यादा आए, एक के 65 आए, दूसरे के यहाँ पे 70 आए, तीसरे के 75 आए, चौथे के 80 आए और पांचवे के यहाँ पे 85 आए, ठीक। शिफ्ट 3 जो थी ये मीडियम थी, ना बहुत ज्यादा टफ थी ना इजी थी, ठीक है, तो मीडियम यहाँ पे क्वेश्चन आए, नंबर मार्क्स आए, एक के 50 आए, दूसरे के 55, 60, 65, 70, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क्स आए। अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे, जाहिर सी बात है अगर टफ शिफ्ट में पेपर हुआ है तो एवरेज मार्क्स जो है यहाँ पे, मतलब जो जो सारे कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो यहाँ पे कम आएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि जैसे अगर किसी के इजी शिफ्ट में पेपर हुआ और उसके बाद जाकर के उसके 20 नंबर आ रहे हैं, और वो बंदा ये बोले कि मुझे इस शिफ्ट के क्वेश्चन तो नहीं आए लेकिन टफ वाला अगर मेरा अगर इस शिफ्ट में होता तो मेरे 80 आ जाते, इजी शिफ्ट में अगर उसके 20 नंबर आ रहे हैं और बंदा ये बोले कि मेरा अगर टफ शिफ्ट में होता तो मेरे 80 नंबर आ जाते, तो इस बात को आयोग नहीं मानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको, आप ये कह रहे हो, अगर आप ऐसा बोलते हो कि मुझे ये तो नहीं पता है कि कटारमल मंदिर जो है वो अल्मोड़ा में है, मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि कटारमल मंदिर जो है वो कश्यप पर्वत पे है, बात सुन रही है? इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे सर ये तो मुझे नहीं पता है कि हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तो मुझे नहीं पता है,
वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे। इस बात को आयोग नहीं मानता है। सन्मार्गिक बात अपना पे कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये हो गया, आप ये बोल रहे हो कि मुझे कौ तो नहीं पता है लेकिन मुझे कमल पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे कौ नहीं पता है, कौ क्या होता है, कौ कैसे लिखते हैं मुझे ही नहीं पता, लेकिन मुझे कमल पता है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, आप तो ऐसा बोल सकते हो, लेकिन आयोग इस बात को नहीं मानता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आप बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए यहां पे जो टफ शिफ्ट वाले की पेपर इस तरह से यहां पे इजी और यहां पे मीडियम इस तरह से रहे। आप मेरी बात सुनिए, आप देखिए अब होता क्या है इसमें, जो पहली शिफ्ट थी, दूसरी शिफ्ट थी और तीसरी शिफ्ट थी, इन तीनों शिफ्टों के एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं। एवरेज मार्क्स कैसे निकलते हैं, औसत मार्क्स कैसे निकलते हैं, मीन कैसे निकलता है, वो आपको पता होगा, मैं जल्द से आपको बताता हूं। देखिए होता क्या पे, इसमें क्या करते हैं, हम सभी कैंडिडेटों के मार्क्स को जोड़ देते हैं। यानी कि अगर मुझे अगर शिफ्ट वन का अगर मुझे यहां पे एवरेज निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 40, 45, 50, 55, मतलब यहां पे ठीक है 55, 60, इन सबको मैं जोड़ दूंगा और इसको मैं 5 से भाग कर दूंगा। मैं इसको कम पे 5 कैंडिडेट हैं, मैं इसको 5 से भाग कर दूंगा। तो 40, 45, 50, 55, 60 को अगर मैंने एवरेज निकाला तो 250 बट्टे 5 यानी कितना हो गया पे 50 मार्क्स। एवरेज कितना निकलेगा इसका पे, एवरेज निकला 50 मार्क्स इसका, ठीक है। इन सभी को मैं जोड़ दूंगा पे 60, ठीक है, मतलब 65, 70, 75, 80, 85, इनको जोड़ दूंगा आपका, तो 375 बटे 5 यानी कि 75 इसका एवरेज मार्क्स निकला आपका 75। किसका? शिफ्ट दो का, यानी कि इजी शिफ्ट का। तीसरी शिफ्ट में आप क्या करते हैं, जो एवरेज मार्क्स निकलेगा इन सबको जोड़ के 5 से भाग करूंगा तो यह निकला आपका 60। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया है, शिफ्ट वन के एवरेज मार्क्स आ गए हैं, शिफ्ट टू के एवरेज मार्क्स आ गए हैं, शिफ्ट थ्री के एवरेज मार्क्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए यहां पे, तो शिफ्ट वन के जो एवरेज मार्क्स थे कितने हो गए, वो 50 हो गए हैं, एवरेज मार्क्स 50 हो गए हैं, शिफ्ट टू के 75 हो गए हैं एवरेज मार्क्स, और शिफ्ट थ्री के यहां पे 60 हो गए। अब मेरी बात सुनिए, अब होता है नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, देखिए यहां पे अब डिफरेंस निकाला जाता है। देखिए पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के बीच में जो डिफरेंस है एवरेज मार्क्सों का वो कितना है, 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, ठीक है। और 75 और 60 यानी कि दूसरी और तीसरी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स का जो यहां पे डिफरेंस है वो कितना है, 15 मार्क्स का। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा वो सबके मार्क्स बराबर कर दिए जाएंगे। कैसे कर दिए जाएंगे सर? देखिए शिफ्ट वन में, शिफ्ट वन में डिफरेंस कितना 25 का है, तो शिफ्ट वन में सबको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? सबको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, यानी कि 40 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 65 मार्क्स हो गया, 65 हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा 45 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो 70 हो गया, 50 में 25 जोड़ूंगा तो 75 हो गया, ठीक है, ध्यान रखें, 55 में 25 जोड़ूंगा तो 80 हो गया, 60 में 80 जोड़ूंगा तो यहां पे 85 हो गया। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा यहां पे देखिए, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का, यानी कि इन सबके उसमें 15 मार्क्स जोड़ देंगे। तो 50 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 65 हो गया, 55 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 70 हो गया, ठीक है, 60 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो यहां पे 75 हो गया, 65 में 15 जोड़ूंगा तो यहां पे कितना हो गया, 80 हो गया, 70 में 15 जोड़ूंगा पे 85 हो गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो सबके क्या हो गए यहां पे, मार्क्स कैसे हो गए यहां पे, इक्वल हो गए। अब मेरे पास सुनिए, हुआ कि यहां पे हुआ क्या, अब पहली शिफ्ट वालों को 25 मार्क्स मिले, इसका मतलब यह है अगर पहली शिफ्ट में किसी का एक नंबर आ रहा होगा तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसके हो जाएंगे कितने, 25 और जुड़ जाएंगे तो इसके हो गए 26 मार्क्स। बात समझ में आ रही है? अगर किसी का इस वाले में एक मार्क्स आ रहा होगा तो इसका हो जाएगा कितने यहां पे, 26 मार्क्स। एक चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा अब देखिए यहां पे, देखिए इस शिफ्ट में इजी शिफ्ट वालों को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि 65 ही कर जा रहे हैं ना, तो इनको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए यहां पे, इसको कोई फायदा नहीं होगा, 65 वाले कोई फायदा होने वाला नहीं है इजी शिफ्ट को, ठीक है। तीसरा अगर जो थर्ड शिफ्ट है इनको 15 मार्क्स जुड़ेंगे, इसका मतलब अगर थर्ड शिफ्ट में किसी का एक नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसको 15 जुड़ेंगे तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 16। क्लियर हो गया? ठीक हो गया, अब मेरी बात सुनिए यहां पे, तो इस तरह से सबके मार्क्स जो है वो बराबर कर दिए जाते हैं, इसी को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब मेरी बात सुनिए यहां पे, अब होता क्या है, अब इसके बाद क्या करते हैं यहां पे, इसके बाद आयोग क्या करता है, एक कट ऑफ जारी करता है, एक कट ऑफ यहां पे जारी करता है, ठीक है। उसने कहा देखिए ऐसा है,
कि 72 सपोज दैट कट ऑफ जारी हो गई, 72 कट ऑफ है, 72 से ऊपर वाले बच्चे जो हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे, और 72 से नीचे वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहां पे बाहर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो देखिए शिफ्ट वन में क्या 40 वाला बंदा सिलेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसके 65 है, नहीं होगा सिलेक्ट। ये क्या 70 वाला हो पाएगा, ये वाला बंदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 25 इसके भी बड़े हैं, ऐसा नहीं इसके 25 नहीं बड़े हैं, लेकिन इसका सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पाएगा। 50 वाले को हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 72 कट ऑफ गई है, इसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके यहां पे 75 हो गए हैं, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या चौथे का होगा? इसके 55 आ रहे थे, 25 जुड़ गए, 80 हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके 60 थे, 25 जुड़ गए, 85 हो गए, सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब जरा समझते देखिए यहां पे। अब इजी शिफ्ट वाले के जो यहां पे इजी वाला था, इसके यहां पे 65 किसी के आ रहे थे, तो इसमें तो कुछ जुड़ा घटा कुछ है नहीं इसमें, तो 65 वाले का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्या 70 वाले का होगा? नहीं होगा। अब आप ये बोलोगे देखिए यहां पे, अब होता क्या, बच्चे क्या सोचते हैं, देखिए यहां पे, जैसे ये पेपर उसके चाचा के लड़के ने दिया, ये पेपर उसने दिया, ये पेपर एक चाचा के लड़के ने दिया, एक उसने दिया। ठीक हो गया। अब ये जब इसके 45 मार्क्स आए और बाद में जब इसमें आप 25 मार्क्स जुड़े, इसमें 25 जुड़े, ठीक है, तो कितना पे इसके 70 हो गए हैं, इसके कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है, और इसके कितने रहे यहां पे, इसके 70 के 70 रहे। आपको बात समझ में आ रही है? जरा बात यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक बात सुनिए यहां पे, ये बंदा सिलेक्ट होगा, ये बंदा भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक बात जरा समझिए यहां पे, अगर क्या होता, अगर यहां पे इसके 50 मार्क्स होते, यहां पे 50 मार्क्स, सपोज दैट मान लो यहां पे इसके यहां पे कितने, यहां पे 50 हैं, इसके यहां पे कितने, यहां पे 70 हैं, तो 50 में अगर 25 जुड़ता इसके कितने, यहां पे 75 हो जाते, इसके 70 ही रहते। अब एक आपका चाचा का लड़का पेपर दे के आया, इसके मार्क्स आए 50, आपके नंबर आए 70। ठीक हो गया, ध्यान समझ लेना कहां विवाद चल रहा है। आपके चाचा के लड़के के नंबर आए 50, ठीक है, इसके और आपके आए 70। घर आके आप दोनों ने पेपर मिलाया, ठीक है, आपने पेपर मिलाया, आपके पीछे आपके कितने हैं, 70 है, आपके चाचा के लड़के कितने आप 50 है, आप बोलोगे मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, चाचा के लड़के का नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन हुआ, 25 तो इसमें जुड़ेंगे ना, तो इसके 25 जुड़े तो इसके कितने हो गए, इसके 75 हो गए, इसके 75 हो गए, ठीक है, और इसके आपके कितने में, आपका फिर भी 70 ही है, आपके 70 ही है। सिलेक्ट कौन होगा? सिलेक्ट आपके चाचा का लड़का होगा। आप क्या बोलोगे? आप आयोग को गाली दोगे, आप आयोग को गाली दोगे, आप बोलोगे कि मेरे 75 आ रहे थे, मेरे 70 आ रहे थे, मेरे चाचा के लड़के के 50 आ रहे थे, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ। क्लियर हो गया? मतलब वही बात है, आप वही बोल रहे हो कि मुझे कौन नहीं आता है, मुझे कमल आता है, आप ये बोल रहे हो। मतलब 70 आने का मतलब, इसके 75 आने का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो मुझे कौ नहीं आता लेकिन कमल आता है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? बहुत सिंपल, ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, मतलब सभी शिफ्टों के मार्क्स जो हैं वो बराबर कर दिए जाते हैं। शिफ्ट 1 इक्वल टू शिफ्ट 2, ठीक है, शिफ्ट 2 इक्वल टू यहां पे शिफ्ट 3, इस तरह से यहां पे सबको यहां पे बराबर कर दिया जाता है। ठीक हो गया, नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया मुझे यहां पे कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। आयोग को हम गाली देंगे क्या? अब तो आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि किस तरह से यहां पे नंबर यहां पे वेरी कर रहे हैं। अब आता हूं मैं यहां पे शिफ्ट, मतलब अब आता हूं मैं यहां पे चार्ट 2 पे। देखिए यहां पे कौन बाहर होता है, नुकसान किसको है, यहां पे नुकसान यहां पे होता है तुक्का मारने वालों को। ठीक है, अगर आपने तुक्का नहीं मारा हुआ है, मैं आपको वही शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 100 में से 50 सही करने वाला जो बंदा है उसके 40 मार्क्स, उसके 48 मार्क्स आए हैं, ठीक है, कटने के बाद 47.5 हो जाएंगे, 100 में से 60 करने के 40 गलत जो करके आया है उसके 50 आएंगे, तो सिलेक्शन किसका होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब जरा समझते हैं बात। चार्ट 2 में देखिए यहां पे नुकसान किसे होता है, नॉर्मलाइजेशन से केवल एक आदमी को नुकसान होता है, जो बंदा होता है तुक्का मारने वाला, तुक्के से जिसका सिलेक्शन होता है वो बंदा इसमें क्या होता है, यहां पे बाहर होता है, उसी को इसमें नुकसान होता है, बाकी किसी को इसमें कोई नुकसान यहां पे नहीं होता है। जरा समझा देखिए, इसमें सारा का सारा खेल है आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं उसका सारा का खेल है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन आपने कितने किए हैं उसका सारा का खेल है। इसका मतलब यह हो गया है, अगर आप कोई भी ऐसा पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी पेपर ऐसा देने जा रहे हो जो पेपर कई शिफ्टों में हो रहा है, इसका मतलब जब पेपर कई शिफ्टों में होता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाता है। देखिए, अब एक बात आप समझिए, क्योंकि अभी उत्तराखंड में नया नया नॉर्मलाइजेशन यहां पे पहली बार यहां पे हो रहा है,
इस वजह से हम लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। लेकिन आज नहीं तो कल अगर आप इसे आज आप इसे यहाँ पे आयोग को मेल करके धरना करके प्रदर्शन करके अगर आप इसे बंद करवा भी देते हो तो ध्यान रखना कभी ना कभी आज से कुछ साल के बाद जब जनसंख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। ठीक है, आज होना है होना है, कल होना है होना है। नुकसान इसमें किसी को कुछ नहीं है, बस नुकसान है किसमें पे तुक्का मारने वालों को। अब देखिए यहां पे उत्तराखंड के अंदर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो फॉर्म यहाँ पे कितने होता है, हद से यहाँ पे 2 लाख, अभी वीडियो में यहाँ पे 2 लाख 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अगर आप सपोज करो यही फॉर्म अगर 10 लाख होते, यही फॉर्म अगर 15 लाख होते, ऐसा तो नहीं है ना कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि उत्तराखंड में एक पेपर के अंदर 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आप देखिए अगर यहाँ पे 10 लाख फॉर्म है, 20 लाख फॉर्म है और आप बोलो कि इन सारे पेपरों को जो 20 लाख लोग हैं इनका पेपर एक साथ करवा दो, तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अभी आप जो अभी करंट में पेपर हो रहे हैं इनके लिए तो आप विवाद खड़ा कर सकते हो, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर देखिए रेलवे जो पेपर कर रहा है वहां पर 2 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलो सर इसको आप यहां पर ऑफलाइन पेपर कराओ, ऑफलाइन पेपर कराओगे, एक शिफ्ट में पेपर कराओ, तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है उत्तराखंड में। हालांकि अभी की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो यहां पे अभी तो आपका ऑफलाइन पेपर हो सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल आपका ऑनलाइन ये होना ही होना है, शिफ्टों में आपका होना ही होना है। क्लियर हो गया? अब नुकसान किसको है? तुक्के मारने वालों। कैसे नुकसान है समझा देता हूं, ध्यान रखना। देखिए अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, अब मैंने यहां पर 4 दिनों में 4 शिफ्टों में 4 पेपर हुए हैं। एक यहां पर देखो D1 में, D2, D3, D4, ध्यान समझ लेना, दोबारा मत बोलना सर कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, मेरी तो यहाँ पे मेरा तो भंटा गोल हो गया, मेरा तो सिलेक्शन हो रहा था, मैं तो अटक गया नॉर्मलाइजेशन की वजह से, दोबारा मत बोलना। ठीक है ना, समझ लेना ध्यान से, इस चार्ट को खेल इसी का ही है। क्या होता है समझते, देखिए D1 में कोई एक बंदा था, ठीक है, फर्स्ट एक बंदा ये था, मैंने यहाँ पे 4 लोग ले रखे और 4 दिनों में पेपर देके आए हैं। एक बंदा था जिसने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट मैंने यहां पे अटेम्प्ट लिखा हुआ है, 35 क्वेश्चन इसने यहां पे अटेम्प्ट किए, इसके 35 के 35 सही थे, करेक्ट थे 35 के 35, रॉन्ग कितने हो गए इसके यहां पे 0, रॉन्ग 0 है इसके यहां पे, रॉन्ग 0 है, 35 सही बताए, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आप मुझे ये बताइए, कितनी एक्यूरेट, कितना एक्यूरेट क्या है इसने यहां पे, यानी कि 35/35 × 100 तो कितना हो गया 100%, इसकी एक्यूरेसी कितनी है 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जरा खेल समझना, देखिए यहां पे तुक्के का कैसा खेल है यहां पे वो समझना। देखिए यहां पे दूसरा एक बंदा था यहां पे जिसने 60 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट किए हैं, इस 60 में से इसके 51 सही हुए और 9 इसके गलत हुए, 9 गलत हुए, लगभग अगर मैं 10 मान लूंगा, मतलब यहां पे लगभग 10 मान लूंगा तो 2.5 नंबर, ठीक है, तो लगभग इसके यहां पे मैंने मान लिया लगभग यहां पे 2.5-3 नंबर से कम हो गए। ठीक है, तो इसके मार्क्स कितना है 48 मार्क्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, 48 मार्क्स इसके आए, इसकी एक्यूरेसी कितनी है 48/60 × 100 यानी कि 80%, कितना है यहां पे 80% इसकी एक्यूरेसी है। क्लियर हो गया बात, जरा यहां पे समझ लेना, यहां पे चिन्ह लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 80% एक्यूरेसी है। दूसरा पे थर्ड एक बंदा था, इसके 41 इसने अटेम्प्ट किए, 37 इसके सही थे, 4 इसके गलत थे, एक्यूरेसी कितनी हो गई यहां पे 90%, कितनी यहां पे 90% इसने एक्यूरेट किया। दूसरा एक बंदा था 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 60 सही करके आया, 35 गलत करके आ गया, कितनी एक्यूरेसी है 85% एक्यूरेसी है। एक बात समझ में आ गई है, एक्यूरेसी समझ में आ गया है, जिसने ज्यादा तुक्के मारे हैं उसकी एक्यूरेसी उतनी कम, जितने तुक्के मारोगे उतनी एक्यूरेसी कम, समझते हैं होता कैसे। देखिए अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे अब होता क्या है, D1 में जितने लोगों ने पेपर दिया इन सबके एवरेज मार्क्स से मैंने निकाल दिया, माना 40 आ गए हैं, अभी मैंने निकाला ना अभी इसके 50 थे, ये चार्ट अलग था। एग्जाम्पल के लिए D1 में कितने यहां पे 40 यहां पे क्या था एवरेज मार्क्स, D2 में दिए जिसने यहां पे इसके एवरेज मार्क्स यहां पे 60 D2 में, ठीक है, D3 के जो एवरेज मार्क्स थे वो यहां पे थे 50, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है D1 में जिसने यहां पे पेपर दिया, D1 में पेपर दिया, ये पेपर कैसा था यहां पे टफ था, ये मीडियम कैसा, ये कैसा पे इजी था, ये कैसा था यहां पे, ये पेपर कैसा पे, ये थोड़ा सा मीडियम जैसा था, ठीक है, और D4 में जिसने यहां पे पेपर दिए इसके मार्क्स आए 70, तो ये कैसा हो गया पे वेरी इजी हो गया, मैंने ऐसा बोल दिया है, ठीक हो गया। चलिए अब क्या होता है, जरा ध्यान समझना, देखिए यहां पे बहुत ध्यान समझे समझना होगा। अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे जो एवरेज मार्क्स हैं D1 के 40, D2 के 60, D3 के 50 और D4 के यहां पे 70, तो सर्वाधिक एवरेज कितना है यहां पे, सर्वाधिक एवरेज मार्क्स जो है वो 70 है, ठीक है, सर्वाधिक एवरेज में से सारे एवरेजों को माइनस कर दिया जाता है। देखिए 70 में से 40 मैंने घटा दिया, यानी कि ये वाला जो था बंदा
शिफ्ट वन वाले जो एवरेज मार्क्स थे यहाँ पे, इसके कितने हो गया फिर यहाँ पे, इसके 40 में से 70 घटाऊंगा तो 30 हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसके यहाँ पे 30 मार्क्स आ गए, किसके यहाँ पे, इस बंदे की, जो फर्स्ट वाला बंदा था, एक वाला बंदा था, इसके कितने मार्क्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे अमिताभ पे 30 मार्क्स हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी है 100%, तो 30 × 100 कितना हो गया पे, 30 सन मारे गए, ठीक है। 30 का 100% 30 बट्टे 100 कर दूंगा तो 100 कितना हो गया, 30% मतलब 100% हो गया पे, अब कितना 30 हो गया, जरा बात समझ आ पाई। देखिए यहां पे तो इसका मतलब, देखिए यहां पे 70 में से मैंने 40 घटा दिया तो 30 आया, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी थी, 100% थी, तो इसका 100% निकल गया, तो कितना यहां पे 30 आ गया। तो अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसके मार्क्स देखिए जरा सा क्या होगा, इसके मार्क्स कितने थे यहाँ पे, इसके मार्क्स थे 30, ठीक है, यहाँ ऊपर मैंने 35 लिख रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके मार्क्स कितने थे यहाँ पे, 30 मार्क्स थे, सपोज दैट 30 मार्क्स थे इसके, तो अब कितने आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 30 मार्क्स इसके और जुड़ जाएंगे, कितने जुड़ जाएंगे यहाँ पे, 30 मार्क्स इसके और जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे अब, 30 और 30 60 मार्क्स इसके हो जाएंगे, क्लियर हो गया। एक्यूरेसी 100% थी तो 30 नंबर आ रहे थे, तो 30 और इसके जुड़ जाएंगे, इसके हो जाएंगे 60 मार्क्स, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इसके 35 थे सपोर्टेड यहाँ पे, ठीक है, 35 थे तो 35, तो कैसे यहाँ पे 35, आप टेंशन मत लेना, 35 और प्लस कितना पे 100% एक्यूरेसी है, तो 35 + 35 तो कितना हो गया यहाँ पे 70, अगर इसी एग्जाम्पल के हिसाब से चल दो यहाँ पे, तो 35 थे 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, तो 35 + 35 कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 मार्क्स इसके आ जाएंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरे शिफ्ट में देखिए यहाँ पे, मतलब दूसरा जो बंदा था यहाँ पे, ये वाला बंदा, ठीक है, तो औसत कितने यहाँ पे 70 में से इस बंदे कितने थे यहाँ पे 60 मार्क्स थे, इसके 60 इसके यहाँ पे कितने पे, इसके मार्क्स यहाँ पे 48 मार्क्स, समझ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 70 में से मैंने क्या कर दिया, मतलब हाइस्ट एवरेज में से मैंने क्या कर दिया, इसको घटा दिया, मतलब इस शिफ्ट की जो एवरेज है उस घटा दिया पे, तो कितना आया पे 10 आया, इसके एक्यूरेसी कितनी थी यहाँ पे 80%, ठीक है, तो 80% अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे 100 तो कितने मार्क्स है 8 मार्क्स, तो सेकेंड वाला जो बंदा था इसके उसमें कितने मार्क्स जुड़ेंगे 60 + 8 इसके हो गए 68 मार्क्स, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, देखिए इसके 60 थे 60 मार्क्स, इसके थे 35, 35 वाले के हो गए 70, 60 वाले कितने रहे हो गए 68, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या खेल है यहाँ पे, किसके यहाँ पे माइनस मार्किंग का, बात समझ यहाँ पे। तीसरा बंदा था यहाँ पे 70, ठीक है 70, और मैंने यहाँ पे किताब में 40 अगर मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं, ध्यान रखना पे, ठीक है, अगर 40, ठीक है, तो किताबें मतलब सेम आगे मैंने यहाँ पे इसी तरह से निकाल रखा है, तो 70 - 40, ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90% इसकी एक्यूरेसी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मैंने आगे पीछे लिख दिया है, तो सिंपल कहने का मतलब मेरा ये है 35 वाले की एक्यूरेसी कितनी 100% थी, तो 35 + 35 कितना हो गया 70, ठीक है, 60 वाले की एक्यूरेसी कितनी थी 80%, तो किताब एवरेज मार्क्स में से यहाँ पे मतलब हाईएस्ट एवरेज में से मैंने यहाँ पे उस शिफ्ट का एवरेज घटा दिया, और जितने उस बंदे थे तो कितना हो गया पे, यानी कि डिफरेंस कितना 10 का आ गया, तो 10 × 80% यहाँ पे 8, तो 8 इसमें जुड़ गया 68 हो गए, क्लियर हो गया, 35 वाले के 70 हो गए हैं, 60 वाले के 68 हो गए हैं, बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, है बहुत सिंपल बहुत सान, ठीक है। तो ये है आपके यहां पे माइनस मार्किंग, इस तरह से आपके यहां पे की जाती है, इसी तरह से मैंने यहां पे आगे भी ये कर रखा है, क्लियर हो गया। तो क्या समझ में आया आपको, आपको यहां पे दो बातें आपको यहां पे समझ में आ गई होंगी, पहली चीज ये कि नॉर्मलाइजेशन के केवल उनको नुकसान होता है जो लोग क्या करते हैं तुक्का मारते हैं, यानी कि 100 में से 60 सही करके आते हैं 40 गलत करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि 60 तो मुझे कंफर्म आते थे, जो 40 मुझे मेरे यहाँ पे गलत हो गए वो मुझे नहीं आता, लेकिन हकीकत ये होता है 100 में से अगर आपने आपके 60 आ रहे हैं तो उस 60 में से 20 आपके तुक्के सही होते हैं, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, 20 आपके तुक्के सही होते हैं और आपको 40 ही आ रहे होते हैं, 20 तुक्के आपके यहाँ पे लगभग 20 ने भी लगेंगे तो लगभग 10 तो तुक्के लगे जाते हैं, तो 50 ही आपको आ रहे थे, 10 आपके यहाँ पे तुक्के लग रहे थे, तुक्के से आपके मार्क्स आए, ठीक है, तो इधर आपके इतने क्या होंगे यहाँ पे कम होंगे, क्लियर हो गया। तो पहली चीज यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बात लेंगे क्या कि तुक्का मारने वालों को इसमें बहुत नुकसान होता है, वो लोग यहाँ पे सीधे बाहर हो जाते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में नॉर्मलाइजेशन आज नहीं तो कल होना ही होना है,
आज नहीं तो कल होना ही होना है। रेलवे का पेपर आप ऑफलाइन करवा दो, पॉसिबल नहीं है। बैंकिंग के पेपर आप ऑफलाइन करवा दो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं कि इनको अगर हम यहाँ पे नॉर्मलाइज कर देंगे, मतलब एक शिफ्ट में ऑफलाइन करवा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं का। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसके अपने बहुत ज्यादा फायदे हैं। देखिए ऑफलाइन पेपर को कोई भी एक बंदा, चपरासी अगर एक बंदा है, 10th पास की बात, अगर किसी की जॉब लगी है, वो भी पेपर को आउट कर देता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन पेपर जो है, ऑनलाइन पेपर जल्दी से आपके आउट नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत हाई सिक्योरिटी, इसमें पासवर्ड लगे होते हैं, तो इसके लिए एक टैलेंटेड, बहुत मतलब आईटी सेक्टर का जो बहुत हाई प्रोफाइल का आदमी होगा, वही इसमें पेपर को यहां पे लीक कर सकता है या ऐसा कुछ। लेकिन ऑफलाइन पेपर में एक चपरासी भी क्या कर देता है, पेपर को लीक कर देता है। एक छोटा से छोटा अधिकारी भी क्या करता है, पेपर को लीक कर देता है। समझ गए? तो इससे दो तीन फायदे आपके यहां पर। देखो एक बात, यहां पर ऑफलाइन पेपर उत्तराखंड के अंदर जब यहां पर 1,00,000 लोग का होता है, तो बहुत बार आपने सुना होगा पेपर लीक हो गया। लेकिन बैंक, रेलवे, एसएससी के जो पेपर होते हैं, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं, करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद भी आपने बहुत कम सुना होगा कि पेपर ये लीक हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने फायदे अपने नुकसान है, इस बात का आप ध्यान रखना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से केवल उनको नुकसान होता है जो बंदे यहां पे, जो बंदे यहां पे तुक्का मारते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि तुक्के नॉर्मलाइजेशन किस तरह से यहां पे क्या आता है, और एक्यूरेसी किस तरह से और किस लेवल पे यहां पे ये इसके अपने मायने होते हैं, ठीक हो गया। अगर हम सही एक्यूरेसी के साथ में यहां पे पेपर अगर सॉल्व करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका मेरिट नंबर यहां पे आ जाने वाला है। कम मार्क्स भी आए हैं तो टेंशन लेने का नहीं है, कम मार्क्स आए टेंशन लेने का नहीं है, ज्यादा मार्क्स आए हैं तो खुश होने की बात नहीं है। बस ये है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें किस शिफ्ट में, हम किस तरह का हमारा पेपर था, और उस तरह का हम पेपर किस तरह से देकर के आए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर आए हैं तो लाल वाला बटन जो है उस पर एक उंगली आप जरूर मार देना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।